तुम्हें मैं नौकरानी लगती हूँ, जो तुम्हारा है तो तुम्हारा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाऊंगी मैं? उसमें से और मुझ में से चुनना पड़ेगा, बताओ दोनों में से कौन तुम्हें चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ ऑफिस से जल्दी, दोपहर में लंच से ही आ गया हूँ। एक्चुअली आज मन भी नहीं कर रहा था मेरा आज ऑफिस में रुकने का बिल्कुल भी, और तबीयत भी थोड़ी गड़बड़ कर रही थी। और ईरा ने मुझसे कहा था कि आज शाम को जब आओगे तो मेरे लिए कुछ मीठा लेते आना खाने के लिए, तो मैं उसके लिए मीठा लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, उसने मंगाया था अपने लिए कुछ मीठा, लेकिन मैं लेकर आया हूँ इस वक्त 2 बॉक्सेस मीठे के। तो फ्रेंड्स, सस्पेंस यहीं पर है कि मैं 2 क्यों लाया हूँ। फ्रेंड्स, समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रैंक। मैंने अभी ईरा को कॉल करी थी, वो अभी रास्ते में हैं और आने वाली हैं, ठीक है, 5-7 मिनट में जहाँ तक वो घर पर पहुँच जाएंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए वेट करिए थोड़ा सा और फिर स्टार्ट करते हैं प्रैंक। A few moments later. आजा, फिर जल्दी कैसे आ गया? आ गया यार, एक्चुअली मन नहीं कर रहा था मेरा, थोड़ा ऑफिस में थोड़ा मन भी ऐसी हो रहा था अजीब सा। तो क्या हुआ, पानी वानी पिया आपने? मैं लेकर आती हूँ। अभी नहीं। अरे आप मिठाई लिए? हाँ ले तो आया यार। ये 2 किसके लिए? 2? हाँ, मैंने तो आपसे बस एक ही कहा था। अरे 2 इसलिए हैं, एक्चुअली यार, अच्छा तुमने सही पूछा, मुझे ध्यान भी नहीं रहता, मैं इसलिए लाया था 2। एक्चुअली आज शाम को ना वो आने वाली है, रिशु। रिशु? कौन रिशु? अरे रिशु वो जो थी। कौन वो? यहाँ क्या करने आ रही है? तुम बड़ी जल्दी समझ गई। अब जब तुम ऐसे इशारे करके बताओगे तो कोई भी समझ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था, आज मेरे पास फोन आया था थोड़ी देर पहले। किसका? उसका, रिशु का। तो वो कह रही थी आज वो मुरादाबाद आई हुई है, ठीक है, तो वो उस वक्त उसकी मीटिंग वगैरह है। शाम में उसने कहा कि क्या नाम है, मैं मिलना चाह रही थी तुमसे। तो मैंने कहा कि भाई तुमसे क्यों मिलना चाह रही है? साले चील की निगाह मेरी। साल हो गए यार, 8-10 साल से ऊपर हो गए, तो वो कह रही मिलना चाह रही थी मुझसे यार। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मिलेंगे, और कोई दिक्कत थोड़ी है, मैंने तो बोली साथ में डिनर कर लेंगे। मैंने कहा तो एक काम करना भाई, साथ में डिनर करने वाली बात है, तो एक काम कर तू घर पे ही आ जा। तो तुमने उसे घर बुला लिया? अरे हाँ, सुनो तो सही आ गया। मैंने उसको बोल दिया, मैंने कि भाई मेरी भाई बहुत अच्छा खाना बनाती, घर पे आ जा, शाम को घर पे ही डिनर करके तब निकल जाना। तो ये कहा मैंने उसको, तो वो शाम को आएगी, लगभग 7-7:30 बजे तक आ जाएगी, जहाँ तक उसकी मीटिंग कह रही थी मेरी 7 बजे तक मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो मैं 7 बजे निकल आऊँगी। यहीं ज़्यादा दूर नहीं है उसकी मीटिंग भी, दिल्ली रोड पर ही है, ठीक है ना। और खाने में ना एक काम करना, उसको स्टार्टर में क्या बनाओगी? स्टार्टर में काम करना तो वो बना लोगी, मंचूरियन और फ्राइड राइस वो बना लेना। और खाने में बना लेना तुम शाही पनीर, उसको बहुत अच्छा लगता है, और दाल मखनी बना लेना, और भटूरे वगैरह बनाओगी या नान लेना और रायता वगैरह बना लेना। मीठे की लिमिट भले आया, उसी की नहीं लाया हूँ मैं ये, एग्जैक्टली तुम पूछे नहीं क्यों ना, इसी नहीं लाया था मैं, इसी की नहीं लाया था मैं एक डब्बा। तो तुम्हें मैं नौकरानी लगती हूँ, जो तुम्हारा है तो तुम्हारा, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए खाना बनाऊंगी मैं। इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात आ गई? घर पे आते हैं तो कोई खाना नहीं बनाता है किसी के? नहीं क्या कोई घर पे आता तो खाना नहीं बनता क्या? तो बनाती हूँ ना, तुम्हारे दोस्तों के लिए, सबके लिए खाना बनाती हूँ ना। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम खाना नहीं बनाती, तभी तो कह रहा हूँ खाना बनाने ला, मैंने इसलिए तो उसको इनवाइट करा, इससे तुम्हारा भी वो होगा ना कि देखो मेरी वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती है। और क्या परफॉर्मेंस छोड़ो, परफॉर्मेंस तो तुम्हारे उसके सामने परफॉर्मेंस देने के लिए मैं गधों की तरह पिल जाऊँ रसोई में, है तुम लोग यहाँ इंजॉय करना और मैं रसोई में खड़े होकर खाना बनाती हूँ। समझ रहे हो आप? मैं उसके साथ इंजॉय, तुम भी बैठ जाना नहीं पर, मैं इंजॉय करने वाले खाना, तभी तो मैं इसलिए जल्दी आ गया ना। मैंने कहा तुम खाना बना लेना जल्दी जल्दी, मैं कोई चीज सामान वान लाना होगा तो फिर मैं ले आऊंगा साथ में जा करके। इसलिए तुम कहाँ कहाँ परेशान हो? वो नहीं आएगी घर पे। क्यों? मैंने बोला ना वो यहाँ नहीं आएगी। तो यहाँ क्यों नहीं आएगी? सिर्फ ये कह रहा हूँ घर पे क्यों नहीं आएगी, मतलब घर पे बुलाओगे अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को? अभी ये अच्छा लगता कि मैं बाहर जाके मिलता उससे? अच्छा लगता क्या भाई? मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर बुला रहा हूँ, तुम भी मिल लेना उससे। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। तो फिर तो तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम उसको फोन करो, मना कर दो कि वो घर यार। अच्छा लगता है कि मैंने उसको बोल दिया, और मैंने वो तो मुझसे कह रही थी कि बाहर मिल लेंगे, मैंने तो उसको ये बोल दिया कि मेरी भाई बहुत अच्छा खाना बनाते, घर पे आ जाना तुम मेरे। मुझे अब अच्छा ये नहीं है, अच्छा लगता है कि किसी घर के लिए कह दिया हमने और उससे मना करते कि भाई अम्मा मेरे घर में आना, मेरी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा। प्रीतु तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम उसको फोन करो और उसको अभी बोलो कि तुम नहीं आ रहे हो। यार मैं मना नहीं कर सकता यार उससे, यार मेरी बात खराब हो जाएगी उसमें। क्या बात खराब हो जाएगी? तुमको जिंदगी मेरे साथ काटनी है, उसके साथ काटनी है?
ऑब्वियसली उसके उस आई मीन तुम्हारे साथ काटनी है, लेकिन यार बात क्यों नहीं समझ रही, मेरी बात खराब हो जाएगी यार। वो बेचारी इतने सालों के बाद आई मुझसे, ये सोचो उसने मेरे से फोन करके मुझसे बात तक करी उसने, उसके बाद मेरा नंबर भी आज भी, ये देखो तुम आज भी नंबर है यार मेरा। क्या तुम क्यों ऐसे रिएक्शन दे रही हो यार? रिएक्शन देने वाली बात नहीं है यार, तुम्हारी गर्लफ्रेंड घर आएगी, हम खाना बनाए, हम बेवकूफ बने, वो हमारे सामने बैठ के तुम्हारे साथ ही तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी ही तारीफ होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसी तारीफ, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी तारीफ यार। ये कोई बात नहीं हुई यार, तो अच्छा फिर एक काम करता हूँ, मैं उसे मना तो नहीं कर सकता, ऐसे मैं काम कर देता हूँ, कह दूंगा मेरे घर पर कोई नहीं है भाई, मेरी वाइफ भी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ हो रही है, मैं बाहर ले जाता हूँ उसको, बाहर खाना वाना खिला लूँ, बाहर डिनर कर लूँ, बाहर जाके देखो तुम जरा बाहर। अब यार ये एक बात तो मानोगी ना, या तुम यहाँ पे खाना तुम बना लो या मैं उसके बाद बाहर डिनर कर लेता हूँ। क्या मेरे को ना खाना बना रहा है और ना ही तुम यहाँ से जा पाओगे। अब मैं बाहर क्यों नहीं जा पाऊंगा यार, क्योंकि मैं जाने दूंगी तब जाओगे ना तुम यहाँ से। यार ये तो कोई बात ना हो गई, तुमको आज उसमें से और मुझ में से चुनना पड़ेगा, बताओ दोनों में से कौन तुम्हें चाहिए। ओब्वियसली तुम ही चाहिए, वो तो आज की बात तो है, एक कोई मेरे पास रोज रोज थोड़ी आ रही है मेरे साथ में, आई मीन मेरे साथ में मतलब यहाँ पे मेरे से मिलने के लिए। आज वो तुमसे मिलने आई है, कल वो तुमसे और कुछ कहेगी, तुम भी उससे मिलने जाओगे, बातें आगे बढ़ेंगी, तुमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या समझ, समझने वाली कौन सी बात थी, समझने वाली कौन सी बात थी, ये तो अपने ऊपर वो होना चाहिए ना वो कंट्रोल। ठीक है यार ये आज की तो बात है, कोई बात थोड़ी है। फिर तू बकवास मत करो, ना तुम जाओगे ना वो आएगी। यार टीवी देख यार मैं तो जाऊंगा, चाहे तू कुछ भी कर ले मैं जाऊंगा। जाके दिखाओ, जाके के दिखाओ, जाऊंगा मैं। तुमको उसके साथ ही रहना है, तुमको साथ में रहने की बात ही नहीं है इसमें, तुम जबरदस्ती की बात खींच रही हो, मैंने तुमसे खाली खाना बनाने की बात करी थी। तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी मैं, और तो अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो मैं उसके साथ बाहर जाके डिनर करूंगा बस। मुझे नहीं रहना अब तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ, ठीक है। कहाँ जा रही है? बस जा, कहाँ बस क्या जा रही हूँ, जहाँ जाऊंगी वहाँ चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारे रोज के नए नए ड्रामे हो गए। अरे सुन तो ले, मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। बैठ तो सही, सुन तू खाना नहीं बनाएगी ना? हाँ नहीं बनाऊंगी, तो अभी तो मुझे तो भूख लग रही, मेरे लिए तो बना दे यार, मैंने खाना लंच भी नहीं करके आया हूँ मैं, खाना लंच तो बना दे मेरे लिए। वो आएगी ना, उससे लंच बनवाना, उससे डिनर बनवाना, उसके साथ ही रहना, उसके साथ ही खाना, ठीक है। मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं रखना, मतलब मुझे खाना भी नहीं देगी। हाँ नहीं दूंगी, तुम्हें बाहर जाके खाऊं खाना, जाके तो दिखाओ ये क्या, तो बताऊंगी तुम्हें। नहीं ये क्या बात होगी, मैं बाहर जाके भी नहीं खाऊं, यहाँ घर में तू बना के नहीं देगी, तो क्या खाऊं ही नहीं खाऊं खाना, कोई जरूरत नहीं है, खाना भी नहीं खाऊं, खाना भी नहीं खाऊं खाना, खा लो तो। अरे तो लेके तो आएगी तभी तो, जा अच्छा लेके आ जा, फिर एक बार बताओ मुझे जल्दी खाने, बहुत अच्छी बात है। अभी बताओ पहले बात, बहुत मजे की बात, पहले बात बताओ फिर खाना, पहले खाना लेकर फिर, बहुत ही मजे की बात है, बहुत ही मैं खाना दे दूंगी, तुम पहले बात बताओ क्या बात है। अरे यही बता रहा था यार, कहते वो कैमरा लग रहा है सामने, तेरा प्रैंक हो रहा था। तुम्हें मैं ही मिलती हूँ हर बात में प्रैंक करने की, हर बात तुम्हारी प्रैंक 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 हो जाती है। अरे तो तेरे बारी तो करूंगा, उसके साथ थोड़ी करूंगा, ऋषि के साथ, पागल है, सोचना भी मत किसी और के बारे में, पागल है किसी और के बारे में, भगवान यार देख रहे यार फ्रेंड्स कितना मारती है मुझे, हर बात पे मारना शुरू कर देती है, मतलब कुछ भी, कुछ भी आप कुछ भी डरा रही क्या। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाभी जी तो बहुत लंबी जोड़ी है, तो मुझे डरा रही, लंबी जोड़ी है तो डरा रही है मेरे को, और मैं तो डर गई। देखो फ्रेंड्स देखो 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 फ्रेंड देखो 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 देखो, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कि गुस्सा है या मुस्कुरा रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। पागल किसी का फोन नहीं आया था, मैं तो आया था, मैंने देखा था तू है नहीं, तू मुझे बता के भी नहीं गई। हाँ, तो बता मुझे के सुन लेवल है, तू मुझे बता के नहीं गई, तो मेरे लगा जब तू मेरे साथ मुझे बता के नहीं आ रही तो मैं भी तेरे साथ में कुछ आज कर ही देता हूँ मस्करी। फ्रेंड्स खाना लेके आती हूं, अच्छा सुन तो एक बात कह तो दे जरा, आप कह लो मैं खाने ले आऊं, कह दे तू भी तो ले आइए, चला कह तो दे, कह तो दे, मुझे नहीं कहना। अरे कह दे यार, अरे एक बार कह दे, जल्दी कह दे, जल्दी जल्दी कह, चल क्या कहना है, क्या यार फ्रेंड्स ये पागल हो गई लग रहा है, तो कह दे यार क्या कहना है, जल्दी कह। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो। और एक बात और कह रही थी फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ना यार
कमेंट नहीं करते यार, बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते यार। कमेंट दे रहा यार, मेरे को ना कमेंट में बहुत अच्छा लगता है लोग यार, कमेंट नहीं आते यार उस अंदर भी यार, पता नहीं है यार। मिलता है फिर कहीं और ऐसी बात करते हैं, पता नहीं भाई।